De. Assalamu alaikum dear students. My name is Azalhan and I am a Biking Street instructor. मैं चार पांच साल से Biking Street पढ़ा रहा हूँ. लेकिन आजकल जितने भी medical students हैं जो diploma कर रहे हैं या BSc mathematics से nursing कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से अक्सर ये शिकायतें मौसूल हो रही है कि Biking Street समझ नहीं आ रही. इसलिए मैंने एक इरादा किया है कि इनके लिए Biking Street के आसान अल्फाज में लेक्चर रिकॉर्ड करो ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए. मैं Biking Street की बात अगर हम करें तो Biking Street एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट भी है लेकिन ये एक बहुत आसान सब्जेक्ट भी है. मैं अक्सर स्कूल को कहता हूँ कि अगर किसी ने एक अच्छा फिजियोलॉजिस्ट बनना है तो इसके लिए इससे पहले एक अच्छा बायोकेमिस्ट बनना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट क्या करता है, वो किसी टिश्यू या ऑर्गन का फंक्शन पहले एक्सप्लेन करता है, डायग्नोसिस करता है. तो वो जो फंक्शन किसी टिश्यू या ऑर्गन का फंक्शन या डायग्नोसिस करता है वो आने के साथ इंटरवेंशन करता है. सो कि एक अच्छा फिजियोलॉजिस्ट बनने से पहले एक अच्छा बायोकेमिस्ट बनना जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है. सो देर नहीं करते तो हमारे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन से पहले हम बायोकेमिस्ट्री की थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है. तो हिस्ट्री की तरफ अगर हम जाए तो बायोकेमिस्ट्री का जो लफ्ज है ये सबसे पहले जर्मन केमिस्ट कार्ल एलेक्जेंडर न्यूमर नाम से जिसने 1903 में डिस्कवर किया था. इससे पहले केमिस्ट्री में लैम और लैम इन तीन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और अभी जारी है. लेकिन एलेक्जेंडर न्यूमर ये पहला शख्स था जिसने लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री को स्टडी किया और इसके लिए एक लफ्ज यूज किया बायोकेमिस्ट्री. सो इसी वजह से एलेक्जेंडर न्यूमर को फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का लफ्ज यूज किया लिविंग थिंग्स की केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए. अच्छा भाई, इसके बाद हम आते हैं स्टार्टिंग बैकग्राउंड के बाद डिफिनीशन की तरफ. तो बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. अब बायोमॉलिक्यूल क्या है? बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड विटामिंस हार्मोन्स वाटर एलिमेंट्स ऑल दीस आर बायोमॉलिक्यूल्स. अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिस तरह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड विटामिंस हार्मोन्स दीस आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जबकि वाटर एलिमेंट्स दीस आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये वो मॉलिक्यूल है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जिस पर लाइफ आई है. अब इन बायोमॉलिक्यूल्स में अगर हम वाटर को देखें तो वाटर बायोमॉलिक्यूल्स है लेकिन ये वाटर इट इज एसेंशियल वाइटल टू लाइफ. व्हेन यू देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ. अगर वाटर नहीं है तो कोई भी लाइफ नहीं है. लेकिन इसके मुकाबले में अगर जो बाकी बायोमॉलिक्यूल्स है वो अगर एब्सेंट डिफिशिएंसी वाटर के अंदर आ जाए या एक्सेस आ जाए तो लाइफ होगी लेकिन इसकी डिफिशिएंसी की वजह से एक्सेस की वजह से बर्ड को एक किस्म की बीमारी होगी लेकिन लाइफ होगी. मतलब ये नहीं कि मतलब लाइफ नहीं होगी, लाइफ होगी लेकिन इसकी डिफिशिएंसी की वजह से एक किस्म की बीमारी जैसे वो लगेगी. तो अब बायोमॉलिक्यूल्स को तो हमने पढ़ा और हमने समझा लेकिन अब इस बायोमॉलिक्यूल की थोड़ा एलिमेंट लेवल पर स्टडी कर रहे कि बायोमॉलिक्यूल किस चीज़ से बने होते हैं. तो एलिमेंट लेवल पर अगर हम इसकी स्टडी करें तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. अब इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ये नेचुरली अकरिंग हैं जबकि 26 एलिमेंट्स ये सिंथेटिक हैं.
इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बनाता है। तो एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो एलिमेंट्स अब चूंकि बाई एलिमेंट्स की तो आपने बात की कि बाई एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाई मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स से बने होते हैं। अब ये एलिमेंट्स किस चीज से बना होता है? तो एलिमेंट्स के लिए ये आइडेंटिकल एटम्स से बने होते हैं। एक जैसे एटम्स कंबाइन हो जाते हैं और वो एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन एक जैसे एलिमेंट्स या आइडेंटिकल एलिमेंट्स ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कंबाइन हो जाते हैं ये एटम्स बनाते हैं, और फिर आइडेंटिकल एटम्स क्या ये कंबाइन हो जाते हैं एलिमेंट्स बनाते हैं। और इन एलिमेंट्स का अगर हम लिविंग थिंग्स में एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं तो इन एलिमेंट्स को अगर हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब आगे अगर हम बायो एलिमेंट्स की बात करें तो बहुत से बायो एलिमेंट्स ये कंबाइन हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बस लेट्स स्टार्ट। अगर इन एलिमेंट की स्टडी हम लिविंग थिंग में करें तो फिर हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा भाई, अब बायो एलिमेंट्स बहुत से बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये कंबाइन हो जाए ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब अगर इन मॉलिक्यूल की स्टडी हम लिविंग थिंग में करें तो फिर इनको बायो मॉलिक्यूल कहा जाता है। बायो मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल हमारे एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल क्या है? वो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। यानी अगर हमारे सेल्स कंबाइन हो जाए तो वो प्रोटीन बनाएगा, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन हो जाए तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाए तो वो पॉलीसैकेराइड बनाएगा, कुछ इस अनेक मॉलिक्यूल। इसी तरह जिस तरह बायो एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बायो मॉलिक्यूल, इस तरह बहुत से बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाए तो कंपाउंड बनाएगा। और कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है? तो बायोकेमिस्ट्री में हम
डिग्रेडेशन और फिर वन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस दोबारा बढ़ के अंदर इस फॉर्म के लिए बायोकेमिस्ट्री। यानी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप कोई चीज खाते हैं तो बना दो बायो मॉलिक्यूल्स होगा, या तो आप कोई चीज खाते हैं तो प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा या लिपिड होगा, तो एक चीज होगा इन बायो मॉलिक्यूल का जैसे कैंसर डिग्रेडेशन छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होना और फिर इन्हीं का दोबारा सिंथेसिस। अगर बॉडी के अंदर और सिंथेसिस, ये बॉडी के अंदर इसकी डिग्रेडेशन और सिंथेसिस को भी हम बायोकेमिस्ट्री।